सभी किसान मित्रों को नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इन्फोटेक फार्म रेडर में। किसान मित्रों, दिनांक है आज 6 जून 2022, वार है सोमवार, समय हुआ है 12:30। बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी दूसरी मंडी शाजापुर मंडी। शाजापुर मंडी में आलू, प्याज, लहसुन तीनों जिनसों कितनी आमदनी देखने को मिली है, वहीं तीनों जिनसों का आज का क्या रेट निकल कर आया है, इन्हीं दोनों विषय में चर्चा होगी। साथ ही साथ तीन देशों में प्याज का निर्यात चालू हो चुका है, वहीं 4 से 5 देशों में प्याज का निर्यात अभी चालू होने वाला है। तो ये कौन कौन से देश हैं जिसमें निर्यात हुआ है और कौन कौन से देश हैं जिसमें निर्यात होने वाला है, तो इन्हीं सभी विषयों को लेकर हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से आपको शाजापुर मंडी की A to Z जानकारी, संपूर्ण सटीक विश्वसनीय जानकारी उपलब्ध करवाई जा रही। मेरे किसान भाइयों, अगर जानकारी अच्छी लगे और वाकई में जानकारी अच्छी लगे और चैनल में अगर पहली बार विजिट किए हैं, दोनों चीज़ें, एक तो जानकारी अच्छी लगे, दूसरी चीज़ चैनल में पहली बार अगर ये वीडियो देख रहे हैं यानी कि विजिट किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे और भी वीडियो आप देख सकें। चैनल को सब्सक्राइब करके लाल कलर की घंटी का बटन दबा के ऑल सेलेक्ट कर लें ताकि हमारा जो अगला वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आएगा, उसे आप क्लिक करेंगे, अब हमारा वीडियो चालू हो जाएगा। वीडियो लास्ट में जाके वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम देखते हैं आमदनी। लहसुन की आमदनी है 3200-3300 पैकेट, प्याज की आमदनी है 20,000 पैकेट। लहसुन का आज का जो रेट है वो मार्केट शाजापुर का करीबन 700 रुपये डाउन है, जहां लहसुन शुक्रवार 3200 पहुँच गया था। अच्छी क्वालिटी का लहसुन आज नहीं आया, 90% खराब लहसुन है, उसी कारण से जो लहसुन का ऊपर में टॉप क्वालिटी रेट है वो है 2500-2600 रुपये का लास्ट रेट है। वहीं अगर बात करें किसान भाइयों प्याज की, आलू मंडी में है ही नहीं, एक भी कट्टा आलू का नहीं आया मंडी में। बात कर लेते हैं प्याज की। प्याज की जो है आवक 20,000 पैकेट और भाव 50 रुपये प्रति कट्टे से लगाकर 300 रुपये प्रति कुंटल हल्का माल, जिसमें आता है कैप्सूल, बारीक गोल्टी, खादू, ठीक है, सड़ा गला बेकार माल जो होता है वो, वहीं 300 रुपये से लगा के 500-600 के बीच में, यानी कि सीधा डबल कर दीजिए आप, गोल्टा प्याज 600 रुपये से लगा के 800 रुपये में, लड्डू प्याज 800 रुपये से लगा के 1,000 रुपये तक एक्सपोर्ट क्वालिटी का माल, जो मंडी का हाईएस्ट रेट है। सिर्फ इसमें आप ये मान के चले कि 2-4 लॉट ही मान के चले, एक राठी जी के यहाँ बिका है 1,080, एक गुरु कृपा पे बिका है 1,025, जय गुरुदेव पे बिका है 1,100, एक दो लॉट और बिके हैं सचिन जी भाटीदार के यहाँ बिका है, वेदांत ट्रेडर्स से भी पे भी अच्छा रेट बिका है 1,070। तो इस टाइप से 1,100 रुपये लास्ट पोजीशन है। अगर अच्छा माल अगर आता है मंडी में, अच्छा माल अगर एक दो लॉट आता तो 1,200-1,300 तक बिक जाता, लेकिन 90% माल जो है वो ख़राब है प्याज का, इसी कारण से जो रेट है हाईएस्ट रेट 1,100 रुपये, बल्क में 800 रुपये से लगा के 1,000, इक्का दुक्का लाट जो है 1,000 से 1,100 रुपये। तो अगर अच्छी क्वालिटी के 5-10 लाट होते तो 1,100 से लगा के 1,300-1,350 तक पहुंचते, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है 100%, क्योंकि शाजापुर मंडी प्याज की मंडी है और प्याज का जो रेट है वो बहुत अच्छा देती है शाजापुर मंडी। मैं तो ये कहूँगा कि शाजापुर मंडी अभी इंदौर मंडी की तुलना में अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा रेट दे रही है, क्योंकि शाजापुर मंडी का जो शाजापुर ज़िले का जो प्याज है इस बार ज़्यादा ख़राब हुआ है, 70-80% प्याज ख़राब है, फिर भी भाव अच्छा मिल रहा है। इंदौर मंडी में तो बहुत बेस्ट क्वालिटी का माल आता है, खंडवा आड़ी तरफ से आता है, खंडवा हमारा मंडलेश्वर, महेश्वर, ओंकारेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की पुणे मंडी से आता है, महाराष्ट्र इसके नासिक से आता है, लासलगांव से, पिपलगांव से, सभी जगह से 2-2, 4-4 गाड़ियाँ आती हैं, तो बहुत क्वालिटी वाला माल होता है, उसका रेट भी वो उस हिसाब से दे देते हैं। तो ये तो किसान भाइयों हो गई आमदनी की बात और भाव की बात। अब जो भाई हमारे आमदनी की बात कर रहे थे और भाव की बात कर रहे थे वो यहीं तक सीमित हैं। अब जिनको आगे वीडियो देखना है, जिनको नॉलेज लेना है कि प्याज कौन से देशों में निर्यात हो रहा है, कौन से देशों में निर्यात नहीं हो रहा है और कौन से देशों में चालू होने वाला है, तो इन सभी जानकारी जिसको भी लेना है वो वीडियो को लास्ट तक अंत तक देखे, ठीक है। मेरे एक किसान भाई ने भी पूछा था मेरे से कि भाई साहब आप हमें ये बताइए कि प्याज निर्यात कब होगा, तो उन्हीं के कमेंट का ऊपर उत्तर दे रहा हूँ मैं। प्याज निर्यात हो चुका है श्रीलंका, कोलंबो और दुबई, तीन जगह प्याज निर्यात हुआ है, 4 से 5 जगह निर्यात और होने वाला है,
श्रीलंका तो बहुत हालत ख़राब है, इसके बाद में भारत प्याज दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अभी बांग्लादेश चालू नहीं हुआ है, उसका मेन कारण है बांग्लादेश में भी मांग निकल कर नहीं आई है। मुश्किल से 8 से 10 दिन और लगेंगे बांग्लादेश को, उसके बाद वहाँ से मांग निकल कर आएगी और गोल्टी और गोल्टा का जो माल है वो बहुत क्वालिटी वाइज बिकेगा। बांग्लादेश बॉर्डर ज़रूर खुल चुका है और पूरी जो लेन देन की प्रक्रिया है वो भी चल रही है, बहुत जल्द वहाँ पर भी शुरू हो जाएगा। तो पहला, दूसरा रसिया। रसिया पृथ्वी के ऊपर सबसे बड़ा देश है। भारत जैसे आप चार बनाओ, चार देश का रसिया अकेला इतना बड़ा देश है। भारत जितना कमाता है, भारत जितना प्रोडक्शन का एक साल में करता है प्याज का, उसका खपत एक ही साल में रसिया अकेला कर देगा। लेकिन रसिया सभी देशों से प्याज लेगा, जहाँ जहाँ उनकी पकड़ है वहाँ सभी देशों से वो प्याज लेगा। लेकिन भारत से दोस्ती अच्छी है, उस कारण से रसिया ने मांग की है और उस मांग को प्रधानमंत्री 100% पूरी करेंगे। तो तीन देशों में जा रहा है, फिर बांग्लादेश जाएगा, चार, और नेपाल में हमेशा जाता है। मैं आपको बता दूं, 12 महीना 32 घड़ी नेपाल बॉर्डर खुला रहता है और वहाँ पे जब मांग निकल कर आती है तो प्याज हमें भेजना ही पड़ता है। 6-7 में दुबई में भी जा ही रहा है, आपको पता है। एक सातवां देश और है, साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में भी बहुत जल्द प्याज की का जो है एक्सपोर्ट करने का सिस्टम जो है वो चल रहा है, ठीक है। और भी करीब करीब 12 से 13 देश गिनती में हैं जहाँ पे प्याज की मांग तो निकल रही है, लेकिन अभी एक्चुअल में भारत सरकार पता नहीं देना क्यों नहीं चाहती, या फिर जैसे आपने देखा होगा गेहूँ हर जगह पहुँचाया प्रधानमंत्री जी ने, शिवराज सिंह जी, मुख्यमंत्री जी ने, लेकिन जैसे ही गेहूँ की कमी महसूस हुई, सरकार में जो खजाना होता है, खजाने में गेहूँ का जो भंडारण होता है, भंडारण में थोड़ी सी कमी महसूस हुई सरकार को, तो उन्होंने रोक लगा दी कि नहीं, अब निर्यात नहीं करना। तो उसी प्रकार से प्याज का होगा, प्याज इतना ही निर्यात करेगा भारत। भारत को मालूम है कि प्याज का जो प्रोडक्शन इस साल बहुत कम हुआ है, पिछले साल से आधा है, उसमें से अगर आधा हम निर्यात करते हैं, बचता आधा है, तो प्याज का जो रेट है वो 100% 50 से 60 रुपये तक चला जाएगा गारंटी के साथ, ठीक है। तो इसी कारण से जो है प्याज निर्यात होगा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होगा, 5 से 10 देशों में निर्यात होगा, 4 से 5 देशों में भी हो रहा है, 3 देशों में तो हो ही रहा है और नेपाल आ गया उसमें, चार देशों में प्याज का निर्यात चालू है, 6 देशों में और निर्यात होगा, 10 देश। तो 10 देशों में भी अगर प्याज जाएगा, थोड़ा थोड़ा भी जाएगा, तो हमारी पूर्ति हो जाएगी। हमें जो भाव है वो करीब करीब 2 महीने बाद बहुत अच्छा मिलने वाला है, मेरी गारंटी है, बहुत अच्छा प्याज का भाव मिलेगा हमें, 25 से 30 रुपये का भाव मिल जाए बहुत है। ज़्यादा लालच में किसान भी नहीं रहता, आपको मैं बता दूं, ज़्यादा लालच में तो सिर्फ स्टॉकिस्ट रहते हैं, जो स्टॉक करते हैं ना प्याज का, उन्हें चाहिए 70-60-70-80 का भाव। और मैं हाँ एक जन के और वो आपको दे दूं, किसान का प्याज जब तक किसान के पास है तब तक प्याज का भाव नहीं बढ़ता है, जैसे ही किसानों के पास प्याज ख़त्म हुआ और ऑटोमेटिकली मंडी का भाव बढ़ जाता है। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि उन्हें स्टॉकिस्ट का माल निकालना है मार्केट में, और वो उन्होंने पैसा लगाया है उसमें, व्यापारी पैसा लगाते हैं, तो उनका जो भाव है वो अच्छा ले लेते हैं, उस टाइम पे वो भाव बढ़ता है। तो यही मैं मेरे किसान भाइयों को समझाना चाहता हूँ, मेरे अन्नदाताओं, कि आप अपना जो प्याज है उसे ना निकालें, स्टॉक करके रखें, ऑटोमेटिक भाव बढ़ेगा। अब स्टॉक तो करें, हिम्मत तो करें, हिम्मत करेंगे तो सब होगा। अभी पैसे की ज़रूरत है तो इधर उधर से ले लीजिए, प्याज व्याज फसल वसल को ना निकालें। लहसुन का भी जो है रेट अच्छा मिल सकता है आपको आने वाले समय में, चल रहा है उसका प्रोसेस, चल रहा है उसका भी। अभी गुजरात की महुआ में एक कंपनी का जो है उद्घाटन हुआ है, कंपनी खुली है लहसुन गार्लिक वाली, तो उसका भी रेट मुझे लग रहा है कि बढ़ सकता है। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल में पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाल कलर की घंटी का बटन दबा के उसे ऑल पर सेलेक्ट कर लिए, ताकि जो हमारे आने वाले वीडियो उनके नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुँच सकें। इंदौर में कल मीटिंग हुई थी, मैं आपको बता दूं, कल के वीडियो में मैंने बताया नहीं, आज सुबह वीडियो बनाया था उसमें भी नहीं बताया। कल इंदौर में एक मीटिंग हुई थी, कलेक्ट्रेट के द्वारा मीटिंग ली गई थी, कलेक्ट्रेट और व्यापारियों के द्वारा, कि हमारी जो इंदौर मंडी है इसमें भी हम सरकारी खरीदी शुरू करेंगे। तो वहाँ के जो व्यापारी हैं, आढ़तिया है, उन्होंने मना कर दिया। अगर आप सरकारी माध्यम से ही खरीदी करना चाहते हैं तो कोई भी आढ़तिया प्याज लहसुन कुछ भी खरीदेगा नहीं, फिर आपको सभी चीज़ें आपके हिसाब से आपको ही लेना पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो ये जो आढ़ते हैं यानी कि जो व्यापारी हैं, ये भी किसान के अपोजिट चल रहे हैं। अभी तो 100% किसान के अपोजिट हैं ये इनको ऐसा लगता है कि हमारी बचत ख़त्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है भाई। आप सरकार से ख़रीद लीजिएगा सस्ते रेट में,
आप सरकार से सस्ते रेट में ख़रीद लीजिएगा ना प्याज को। प्याज मान लो सरकार हमारा प्याज लेती है 15 से 20 रुपए के बीच में, मान लो हल्का प्याज है वो 15 रुपए और अच्छा प्याज है वो 20 रुपए, आप सरकार से 20 रुपए में या 15 से 20 रुपए में ख़रीद के, और सरकार से कम में देती है यार, आप सरकार से 15 से 20 रुपए में ख़रीद के उसे आप मार्केट स्टॉक कर लीजिए, बाद में निकालिए, आपका फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, ठीक है। तो आप ऐसा कीजिए, आप सरकार को सरकार का काम करने दीजिए। अभी उज्जैन मंडी में सरकार के 5 से 4 लॉट ख़रीद रही है सरकार, ये नहीं बोलूँगा कि नहीं ख़रीद रही है, लेकिन वो छलावा है, पूरा माल खरीदे सरकार, ये मेरा निवेदन है सरकार से, पूरा माल यानी कि पूरा माल 100% माल खरीदे सरकार, आलू प्याज लहसुन तीनों जींस पूरा माल खरीदे, और पूरा माल खरीदने के बाद आप उसे वापस से हमारे जो आढ़ती हैं व्यापारी हैं इन्हें आप, या एक तो चीज़ एक तो ये हो गया कि आप स्टॉक करें उसका, दूसरा ये हो गया कि आप उसका एक्सपोर्ट कर दें, दो चीज़ें, बचा हुआ माल आप आढ़ती को बेच दें, सरकार कुछ भी कर सकती है। पिछली बार सरकार ने मुख्यमंत्री जी ने शिवराज सिंह जी ने 8 रुपये में प्याज खरीदा था, शायद 2014 के लग पहले की बात होगी, हाँ उसके बहुत पहले की बात है, तो 2014 या उससे पहले ख़रीदा था 8 रुपये प्रति केजी के हिसाब से। उस टाइम पे क्या है कि लागत जो है बहुत कम आ रही थी, DAP की जो थैली है वो मात्र 500 की मिलती थी, ठीक है, आपकी यूरिया है जो 160 रुपये की मिलती थी, आपकी सुपर जो है वो 120 रुपये 130 रुपये की मिलती थी, उस टाइम पे वो 8 रुपये किलो में उन्होंने प्याज खरीदा था। आपकी जो प्रोपेक्स सुपर जो दवाई है अभी जो 700 मिलती है वो उस टाइम पे 250 रुपये की मिलती थी, ठीक है। तो ये इन सभी चीज़ों का जो रेट था कम था, फिर मजदूरी 50 रुपये प्रति मजदूर मिलते थे, अभी 300, 400, 500, 600 रुपये लेते हैं एक दिन के, लेडी से लेती है 300 रुपये, तो जेंट्स तो 500 रुपये 400 रुपये इस टाइप से लेते हैं, तो महंगाई बढ़ गई ना। डीजल उस टाइम पे शायद जिस टाइम पे शिवराज सिंह जी ने प्याज खरीदा था उस टाइम पे जो डीजल का रेट था वो 50 के अंदर था, 50 लगभग 50 रुपये, अभी 100 रुपये पहुँचा दिया है आपने, हर तरफ से महंगाई बढ़ चुकी है। उसी कारण से जो लागत है वही है 17 से 18 रुपये, तो मेरे हिसाब से, बाकी लोग बोलते हैं कि 14 रुपये 15 रुपये लागत है, ऐसा नहीं है। 1 kg को प्याज को निकालने में गारंटी अगर 17 रुपये से अगर ऊपर का खर्च ना बैठे तो, इस साल हर साल जो खर्च इससे आधा कर दीजिए आप 8-9 रुपये, क्योंकि जो प्रोडक्शन है वो इस साल कम निकला है, उस हिसाब से मैं खर्चा बता रहा हूँ। हर साल जो प्रोडक्शन जो रहता है वो ज़्यादा रहता है, उसका खर्च आधा कर दीजिए आप, इस साल खर्च ज़्यादा बैठा है, ठीक है। तो ये है मेरा सरकार से निवेदन कि इसको आप पूर्ण रूप से खरीदिए पूरा प्याज, जैसे पिछले आज से 8 से 10 साल पहले खरीदा था शिवराज सिंह जी ने, उसी प्रकार से आप खरीदेंगे, किसान बहुत खुश रहेंगे। 2023 में चुनाव आ रहा है, फिर से आपको लेके आएंगे, आप निश्चिंत रहें, बस किसान को खुश कर दीजिए आप, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप 2023 में 5 लाख तक का KCC ऋण माफ़ कीजिए, 100% भाजपा की सरकार बनेगी, मेरी गारंटी है। इतने दो काम कीजिए आप, मज़े आ जाएंगे। धन्यवाद। आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर कीजिएगा। सभी किसान मित्रों का धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसान मित्रों शाम को 6 बजे।